हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। घंटा बजाओ तभी तो प्रसाद मिलेगा। हाय एवरीबॉडी, मैं रामजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्प ज्ञान मिक्सिंग। दोस्तों, आज बात करेंगे अपना भोजपुरी सॉन्ग का पैटर्न कैसे बनाते हैं। ठीक है, पूरा बारीकी से एक एक स्टेप बताऊँगा मैं आप लोगों को। जैसे कितने जन कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए सही समझ में आ रहा है तो फिर से हम वीडियो बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आज बात करेंगे कि इसका स्टेप बाय स्टेप पैटर्न बनाने का। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, मैं अक्सर इस चैनल पर मिक्सिंग का ही वीडियो अपलोड करता हूँ। हो सकता है कभी काल मैं गाना अपलोड करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मिक्सिंग का ही वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसका बेस लाइन बार सेट कर चुका है, ये यहाँ आप देख सकते हैं, मैचिंग कर दिया है, और उसका BPM है 150, जो कि आपको सेट कर लेना है। ठीक है, तो इसका जो किक का जो ओरिजिनल बेस लाइन है आपको, जो कि हमने यहाँ से इसका कभी भी आप सेट कीजिए, कभी भी आप बेस लाइन सेट कीजिए, तो यहाँ इतना दूर छोड़ दीजिए, आप इधर से इतना छोड़ दीजिए, और गाना जहाँ स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आप सुन लीजिए, यहीं से आपको बेस लाइन सेट करना होता है। ठीक है, यहाँ बेस लाइन हमने सेट कर लिया है, और थोड़ा मार्जिन में रखिएगा कि आपका जो किक लगे वो आपका किक जो परफेक्ट उभर के बजे। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा भी बता देते हैं, थोड़ा सा भी आप इतना पर रखते हैं, तो पहले ये आपका ओरिजिनल सॉन्ग का किक जो है ये पहले बज जाएगा, बाद में आपका किक बजेगा, तो क्या होगा कि किक ख़राब हो जाएगा, जो है ना, किक ख़राब हो जाएगा। और एक रीज़न ये है कि आप इसको थोड़ा सा गैपिंग पे रखते हैं, थोड़ा सा गैपिंग में रखते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो पहले आपका किक बजेगा, तब इसके बाद में ये बजेगा, तो जो आप एस्टिमेट लगाएंगे वही आपका उभर के आएगा और वो अंदर ही अंदर दबता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सेटअप किया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका पैटर्न तैयार करते हैं। चलिए हम यहीं से 4 स्टेप किक ऐड कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए 4 स्टेप, ये 4 स्टेप की क्रिएट करना है। ठीक है, ठीक है, और इसमें एक ये बेस डाल देना है यहाँ। ठीक है, रॉक्स यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, चलिए सुनते हैं। अब इसमें हम इसको हम तो कुछ हम इस तरह से कुछ ठीक है, ये आपका स्टार्टर हो गया, जो कि आपका तैयार है, स्टार्टर तैयार है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा बना लिया जाए। ठीक है, मैग्नेट ऑफ कर लीजिए और इसमें 4 स्टेप किक डालिए, आप भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, और इसको ऊपर लाइए और ये ठीक है,
अब दोस्तों इसका बैकग्राउंड म्यूजिक हटाएंगे, ठीक है। उतना सेटिंग करने के बाद कटआउट 200 पे और ग्राफिक, एड करते जाइए 4-5 आप भी कीजिए, ठीक है। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो, उसके बाद कहते हो कि समझ में नहीं आता है। देखो दोस्तों, कुछ पाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। नहीं मेहनत करोगे तो कहाँ से कुछ सीख पाओगे यार। अगर मान लो कि आप सोचोगे कि बिना डाटा खर्चा किए हम मिक्सिंग सीख ले, तो नहीं हो सकता। वह कब हो सकता है? जबकि कोई आमने सामने सिखाने वाला हो तभी हो सकता है। ऐसे तो आप वीडियो से सीखोगे तो आपको डाटा खर्चा करना ही पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों इतना आप दिमाग में बैठाइए। तो आप प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो फुल देखें, पूरा देखें, तभी आप लोग को नॉलेज मिलेगा कि आप लोग की कैसे मिक्सिंग किया जाए, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा ये डाल देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ ब्रेकर बज रहा है, ठीक है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम नहीं बनाएंगे, हम अपने हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्लिप करते हैं, ठीक है। पट्टी को काट लेंगे, किक किक, ठीक है। थोड़ा इसको और बाजू करेंगे, ठीक है। ये आपका किक हो गया। अब इस पे चाहे तो आप ढोलकी दे सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इस पे आइए। अब गाने का ओरिजिनल बेस दोस्तों जो है तो आपको ये देखिए, फर्स्ट में ये है, 2-3, ये रहा आपका किक चल रहा है, ठीक है। और बीच में यहाँ सिनार चल रहा है, फिर ढोलकी चल रहा है, फिर यहाँ बेस चल रहा है, डायरेक्टली बेस चल रहा है, फिर यहाँ सिनार चल रहा है, ढोलकी चल रहा है, फिर यहाँ डायरेक्टली बेस चल रहा है, ठीक है। इस हिसाब से चलता है गाने में, भोजपुरी सॉन्ग में, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्लिप कर लीजिए, एडिट कर लीजिए और हार्ट की 4 स्टेप ऐड कीजिए, ठीक है। ये 4 स्टेप इसको डाल दीजिए, इसको लेके आइए नीचे, इसको 4 स्टेप डालिए, इसको 2 स्टेप डालिए और ये 4 सेंस 4, ढोलकी 4, ठीक है। कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ये सॉन्ग। तो अब हम बता दें आपको, ये तो आपका मालूम ही है हार्ट किक, ये बेस है, ठीक है, हिट हार्ट का बेस है। और ये रॉक 2, और ये ड्रम जो आप सुने इसका म्यूजिक, ये पोसनफी एपल स्टूडियो का है, और ढोलकी, ठीक है। टोटल मिला के होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आइटम, ठीक है। अब आपको हम सुना देते हैं, यहाँ ये बेस, ये रॉक्स, ये ड्रम्स, ड्रम का जो बेस होता है, ड्रम बेस वो है, ये पर्सनलिटी जो आपको एपल स्टूडियो में मिल जाएगा, वर्ड हिट 1, ठीक है, और ढोल की, ठीक है। तो अब चलिए सुनते हैं।
अब हम इसको पूरा कर लेंगे, जहाँ तक बचता है तहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा चल रहा है, ठीक है। ये आपका पैटर्न तो तैयार हो गया, जैसे कि आप सुन रहे हैं, सुन लीजिए। और बताते चलो दोस्तों आप लोग को एक चीज, ठीक है। जैसे कि यहाँ ये लगाने की जगह आप बेस भी डाल, ढोलकी बेस जो होता है वो भी लगा सकते हो, लगाते हो, जो आप लोग कभी कोई यहाँ लगाता है, कोई यहाँ लगाता है, ठीक है, यहाँ यहाँ नहीं लगाता है, तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है, मज़ा नहीं देता है। तो इसको यहाँ से हटा करके आप यहाँ लगाइए, यहाँ और यहाँ, सॉरी यहाँ, ठीक है। और उसके बाद जस्ट बगल में आप ढोलकी डाल दीजिए, इसको खाली मत छोड़िए, ठीक है। आप इसको खाली छोड़ते हैं तो इतना दूर जो होता है गैप मारता है, ठीक है, तो गाना अच्छा नहीं चलता है। देखिए आप सुन लीजिए, वो हटाए हमने तो, एक मिनट, इसमें और भी है जो हटाना है हमें, ठीक है। ये अब देखिए आप ये कैसा बज रहा है। ये थोड़ा साइड सॉन्ग में घुस जाता है ना, ये थोड़ा साइड सॉन्ग में घुस जाता है, जैसे कि साइड सॉन्ग, जैसे कि गाना वहाँ से खींच रहा है, ठीक है, गाना वहाँ से खींच रहा है, उस पोजीशन पे चला जाता है इस पैटर्न पे। और यहाँ पे हम ये और ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमने लगाए थे, कहाँ गया ये, और फिर यहाँ हम डाल देते हैं, इसको फुल कर देते हैं, तो आप देखिए। ये गाने को साथ में लेके चल रहा है, ठीक है, जैसे कि डांसिंग के मूड में आ गया है, और वहाँ था वो गाने को खींच रहा था, ये डांसिंग मूड में आ गया है, ठीक है, जिससे कि सुनने के बाद और बजने के बाद नाच भी सकता है आदमी, ठीक है। तो चलिए ये आप समझ लीजिए कि इसको किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ ब्रेकर्स, अब यहाँ ब्रेकर्स हम चलिए कुछ अपने ही हिसाब से क्रिएट कर लेते हैं। पहले किक डाल दीजिए, चेक करते हैं। अब यहाँ एक किक डालेंगे, ठीक है, अब चेक करते हैं। अब यहाँ हम थोड़ा बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इस पर हम ढोलकी यहाँ से कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका डीजे बेस, ठीक है, जो कि आपका बजे तो सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। तब यहाँ है जो हम वो पैटर्न बनाए थे, बताए थे आपको, उसी तरह इसमें बना लेना है, ठीक है। एडिट पे जाइए और किक फोर स्टेप डालिए, फोर स्टेप किक डालिए, बेस टू स्टेप, रॉक्स टू स्टेप, सिंगल्स, ठीक है। अब इस पे ठीक है, अब इसको हम खींच लेंगे जहाँ तक चलेगा।
ठीक है। अब यहाँ हम यहाँ तक चलाएंगे, ये यहीं तक चल रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से गाने को सुनिए, ठीक है। अब वो जो हमने ये किक जो ब्रेकर्स तैयार किए थे, किक किधर गया, शायद ये रहा, ठीक है। हम इसको उठा के यहाँ कॉपी कर लेंगे, ठीक है, सॉरी पेस्ट कर देंगे। ये आपका ब्रेकर तैयार। अब इसको हम ये वाला पैटर्न कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक चलेगा, या ठीक है। तो यहाँ हमने पहले सेटअप करके रखा था ब्रेकर्स के लिए, तो ये ब्रेकर्स हम यहाँ डाल लेंगे, ठीक है। और हम इसको डबल प्रेस पे कर लेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ प्रेस कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा गैपिंग कर रहा है, तो हम इसको सेटअप करेंगे, ठीक है, मैग्नेट पे। इसको यहाँ यहाँ मैचिंग कर लेंगे, ठीक है। इधर जो लास्ट में छोटा है उसका कोई टेंशन नहीं है, उसको आप सिंबल्स या क्रेप्स पे भर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये इतना छूट रहा है तो इसका कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका ब्रेकर्स, ठीक है। आप खुद से बना भी सकते हैं और डिजाइन लुक्स भी यूज कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। ये यहाँ तक चल रहा है, तो आप सोच में पड़ गए कि इतना लंबा पैटर्न, जी हाँ, बीच में गैप, एक ढोलकी सा छोटा सा गैप चल रहा है, तो अब उतना सेटिंग करेंगे तो
समय ज़्यादा लग जाएगा, तो वहाँ जहाँ गैप मार रहा है उसके जगह पे हम क्लैप्स यूज कर देंगे। जहाँ छोटा सा ढुलकी मार रहा है वहाँ हम एक क्लैप्स यूज कर देंगे और भी शानदार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तब यहाँ का हम ब्रेकर्स क्रिएट कर ले। ठीक है, ब्रेकर्स यहाँ का हम इस पट्टी को काटेंगे, आप भी काट लीजिए। और पहला स्टेप किक ऐड करेंगे। ठीक है, फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये प्ले का जो बटन है आप इसको यहाँ पे कहीं पे भी रख कर आप सीधा डायरेक्टली इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप प्ले बटन रख करके ऐड कर सकते हैं। और इसमें एक ढोलकी डाल देते हैं, ठीक है, जो कि अच्छा लगे। अब हम इसको यहाँ पेस्ट कर लेंगे इस बटन को। अब यहाँ एक ब्रेकर है और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पैटर्न्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों। Thank you.
तो दोस्तों यहाँ तक हो गया, तो चलिए अब क्यों ना बेस लाइन क्रिएट कर लिया जाए, बेस लाइन बजा लिया जाए। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से सेटिंग कर दीजिए। अब जितना ये पैटर्न हमने बनाया है, ये समझ लीजिए कि पूरे गाने में चलेगा इतना पैटर्न। ठीक है, अब यही तीन आइटम पूरे गाने में चलेंगे। ठीक है, ये लास्ट तक। ठीक है, अब दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसमें क्लिप्स आप यूज करेंगे तो कौन सा यूज करेंगे, जो भी हो आपके पास वो यूज कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल तो हम ठीक है, हम इसी को यूज करेंगे थोड़ा वॉल्यूम लेकर के। Thank you.
जैसे कि हमने बात कर रहा था, जो कि छोटा छोटा एक ढोलकी जो छूट रहा था वो हमने क्लैप्स पे मैच कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग उसको, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बनाएं, ठीक है। आप क्लैप्स लगाएंगे तो और भी शानदार हो जाएगा, ठीक है। तो आप सुन सुन भी लिया और कहाँ कहाँ हमने कैसे कैसे क्लैप्स दिया है, गान म्यूजिक कहाँ से, मतलब कि कहाँ से उठ रहा है और कहाँ से गिर रहा है, कहाँ गिरने से और उठने से जैसा है वहाँ आप क्लैप्स डालिए, वहाँ और भी शानदार लगेगा, ठीक है। अब यहाँ तो जो बज रहा है, यहाँ एक छोटा छोटा ढोलकी है, ठीक है, ओरिजिनल सॉन्ग में। तो हम ढोलकी की जगह ये क्लिप्स यूज किए हैं, ठीक है, सिर्स, ठीक है। तो आप भी ऐसा मिक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट सॉन्ग में, नेक्स्ट वीडियो में, साइड सॉन्ग के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ ही जाएगा वीडियो। अगर नहीं समझ में आता है फिर भी तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से दूसरा वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आप छोटा छोटा स्टेप बताएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। एक ही स्टेप में, मतलब एक गाने के एक ही स्टेप में आधा बता देना कि जिससे कि आपका गाना पूरा कंप्लीट हो जाए, उसी से उस सिचुएशन से मैं बनाता हूँ, इसलिए मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। अब मान लीजिए हमने यहाँ तक आपका परफेक्टली आपको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद से जितना भी पैटर्न चलता है आपका, यहाँ से जो भी पैटर्न बना है सब आपका यहाँ तक लगेगा, ठीक है। यही पैटर्न, दूसरा कोई पैटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसी सिचुएशन, उसी पोजीशन पर हम ला करके आपको छोड़ते हैं कि आप वहाँ से इस पैटर्न को कॉपी करके आप वहाँ से डाल सके, कि आपको बाद में तकलीफ़ ना हो कि फिर कि यहाँ तो आपने बताया नहीं, यहाँ दूसरा पैटर्न चल रहा था, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जहाँ तक हम बता देते हैं वहाँ तक, मतलब कि समझ लीजिए कि आपका सॉन्ग का पूरा कंप्लीट पैटर्न बताते हैं, ठीक है। जिस जो भी सॉन्ग का हम पैटर्न बताएं, जहाँ तक हम बताते हैं, मतलब कि आपको 33 नंबर, ये हमने 97 नंबर तक बताया था, ठीक है, 97 नंबर से ज़्यादा ही बताया है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि इसके बाद से आपका जितना भी पैटर्न चलेगा आपका इसी पैटर्न पे चलेगा सॉन्ग, ठीक है। इसी क्लैप्स, इसी बेस लाइन, इसी बस आपको पैटर्न को इधर से उधर कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है, इतना कंप्लीट करने के बाद आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।